सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल NX World Design को, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि डिज़ाइन रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिराग, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सो इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट अ पॉलीगॉन एन एलिप्स, विच टाइप प्रॉपर मेथड आर यूज टू जनरेटिंग ए पॉलीगॉन एन एलिप्स। लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज, पहले हम हमारा मॉडल विंडो शुरू कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा पॉलीगॉन दिया गया है। जैसे ही आप पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे, ए पॉलीगॉन का एक पॉपअप मेनू ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहले आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है। जैसे ही आप सेंटर पॉइंट डिफाइन करोगे, ये अपने आप एक पॉलीगॉन बना देगा। यहाँ पे आपको कितनी साइड चाहिए, 6, 7, 4, 3 या ट्राइंगल, और जो भी आपको साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारा जो पॉलीगॉन है जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर डायमेंशन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे लॉक कर देना है और इस डायमेंशन को फिलअप करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे देता हूँ 100 की रेडियस चाहिए और जो मेरा रोटेशन एंगल है वो मुझे 0 चाहिए, ठीक है। अब उसका मैं एक सेंटर पॉइंट दूंगा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसका सेंटर पॉइंट दे दिया। इसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसे हटा देता हूँ। अब आपने यहाँ पे गौर किया होगा, जैसे मैंने पॉलीगॉन पे क्लिक किया था, यहाँ पे एक पूरा डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया था, सर्कमफेरेंस रेडियस और इंस्क्राइब रेडियस। इन दोनों का मीनिंग क्या है वो अब हम जान लेते हैं। ये पहले मैंने कहाँ सर्कमफेरेंस से बनाया, अब मैं यहाँ पे इंस्क्राइब रेडियस का यूज़ करके एक पॉलीगॉन बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक इंस्क्राइब रेडियस का और एक सर्कमफेरेंस रेडियस का एक पॉलीगॉन बनाया। तो दोनों में अंतर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने दोनों का एक सर्कल देता हूँ, दोनों को सर्कल में कैद कर लिया। अब क्या करता हूँ, उसको मैं डायमेंशन देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए ओवर कंस्टेंट चला जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप दोनों सर्कल का डिफरेंस देखिए, ए इंस्क्राइब रेडियस से जो हमने सर्कल जनरेट किया वो पॉलीगॉन के इनसाइड सर्कल है और यहाँ पे पॉलीगॉन के बाहर की ओर एक सर्कल बना दिया है। अब यहाँ पे आप गौर करें तो जैसे कि सर्कमफेरेंस है उसमें जो ए पॉइंट है, पॉइंट यानी कि ये हमारा जो वेक्टर से वेक्टर तक का डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग जनरेट होता है, और जो हमारा इंस्क्राइब है, सॉरी जो हमारा इंस्क्राइब है उसमें क्या होता है कि जो हमारा वॉर्टेक्स पॉइंट दिया गया वहाँ से यहाँ तक के वॉर्टेक्स पॉइंट का डिस्टेंस होता है, और सर्कमफेरेंस में क्या होता है कि जो हमारा ये जो साइड की लेंथ है उसका सेंटर पॉइंट से उसके सामने वाली फेस का या उसके सामने वाली लाइन तक का सेंटर पॉइंट का बीच का डिस्टेंस होता है। अगर आप तीसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया साइड लेंथ, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा मैं यहाँ पे 100 mm का एक हेक्सागन मैंने बनाया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉलीगॉन है यहाँ पे क्या हुआ कि जो इसकी एक बाजू है, जो साइड है, उसको हम डायमेंशन देते हैं और वो सभी का सेम होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इलिप्स बनाते हैं। तो हम इलिप्स कैसे बना सकते हैं, तो इलिप्स बनाने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, तो ठीक है इसे रहने देते हैं पहले इलिप्स। तो यहाँ पे मोर कॉम में इलिप्स का टूल दिया गया है तो हमें उसे एक्टिव करना है। इसके बाद यहाँ पे समझने के लिए मैं सारे
जो विंडो है उसको क्लोज कर देता हूँ। पहले यहाँ पे मुझे क्या किया क्या दिया गया है, स्पेसिफाई ए पॉइंट। मुझे पहले एक पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। अब यहाँ पे मेजर और माइनर रेडियस दी गई है। मेजर रेडियस को आप, जैसे कि मैं यहाँ पे मेजर रेडियस को देता हूँ 100 mm, तो ये जो आपको नेवी कलर में शो हो रहा है, ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा क्या है, मेजर रेडियस है, और जो हमारा माइनर रेडियस है वो हमारा वर्टिकल रेडियस है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वर्टिकल रेडियस है। अगर आप यहाँ से जो एरो दिया गया वहाँ से भी आप डायमेंशन को अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे रोटेशन दिया गया, आपको कौन सी डिग्री पे या कौन से एंगल पे चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स दी गई है, हमें क्लोज रखना है, यानी कि ये पूरा जो हमारा इलिप्स है वो बंद हो जाएगा। तो ये हमारा एक इलिप्स जनरेट हो गया। अब वापस से हम एक इलिप्स बनाते हैं, जो हमें जो रिक्वायरमेंट होगा उतना ही चाहिए। यानी कि पहले मैंने एक पॉइंट को डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मैं 0 एंगल दे देता हूँ। यहाँ पे सपोज़ मान लीजिए आपको जो आपका इलिप्स है वो आधे से शुरू करना है और 360 यानी कि 90 डिग्री से शुरू करना है और 360 डिग्री पे आपको चाहिए, और ये जो 0 डिग्री से 90 डिग्री वाला पोर्शन है वो आपको हटा देना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो लिमिट दी गई है उसे हटा दीजिए, क्लोज पे हटा दीजिए। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है स्टार्टिंग एंगल कितना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग एंगल है वो 90 डिग्री, ये मैंने 90 डिग्री दिया, तो 90 डिग्री से मेरा स्टार्टिंग होगा। और फिनिश सपोज़ कि मैं यहाँ पे देता हूँ 270, तो आप देख सकते हैं ये आधा हो गया, और मैं 360 वापस से देता हूँ तो ये यहाँ तक पूरा हो गया। जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, ये इतना जो 90 डिग्री वाला पोर्शन है वो खुला रह गया। अब मेरे जो भी स्कूल जो भी टूल चाहिए यहाँ पे यूज़ करना, तो आप मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इजी तरीके से उसको मैंने क्लोज करके एक अच्छा सा शेप दे दिया। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।